नवंबर 14 पूरे विश्व भर के अंदर वर्ल्ड डायबिटीज डे यानी विश्व मधुमेह दिवस के रूप में मनाया जाता है। हर दिवस का मकसद ये होता है कि उस दिन हम उस बीमारी के बारे में या उस व्यक्ति के बारे में लोगों को ज्ञान दें, ताकि हम अपने समाज के अंदर जो अवेयरनेस है उसको इंक्रीज कर सकें। तो सन 2006 में WHO ने डिसाइड किया कि पूरे विश्व भर के अंदर डायबिटीज़ का प्रकोप बढ़ता चला जा रहा है, लोगों को जानकारी नहीं है, तो इस दिन को उन्होंने 14 नवंबर को चुना, क्योंकि डॉक्टर फ्रेडरिक बेंटिंग जिन्होंने के इंसुलिन का आविष्कार किया था उनका जन्मदिन पड़ता है। और इंसुलिन के बारे में हम सब लोग जानते ही हैं कि कितना बड़ी कारगर दवाई सिद्ध हुई। और डायबिटीज़ होता क्यों है, डायबिटीज़ के बारे में हम सबको पता है कि या तो जब शरीर के अंदर इंसुलिन बनने की कैपेसिटी यानी क्षमता कम हो जाती है, बॉडी के अंदर जो पेंक्रियास के सेल्स हैं वो इंसुलिन कम बनाते हैं, या आपके शरीर में इंसुलिन बनती पूरी है लेकिन वो यूटिलाइज नहीं होती, जहाँ जहाँ जिन जिन सेल्स के ऊपर उनको जाना चाहिए वहाँ पर वो असर नहीं करते। तो ये जब शुगर का लेवल परमानेंटली आपके ब्लड के अंदर घूमता रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उसकी वजह से विभिन्न प्रकार की बीमारियाँ, विभिन्न प्रकार की एक आपके शरीर के अंदर त्रुटियाँ आ जाती हैं जो कि जानलेवा भी हो सकती हैं। अब डायबिटीज़ के बारे में हम सबको पता है, या तो टाइप 1 डायबिटीज़ होती है जो बचपन से होती है, टाइप 2 होती है जो एडल्ट डायबिटीज़ कहलाती है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है जो महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, और भी छोटे छोटे कई प्रकार की डायबिटीज़ जो हैं विश्व भर के अंदर आइडेंटिफाइड हैं। और इनके बारे में नॉलेज होना, अवेयरनेस होना, लोगों को ज्ञान होना और उसकी प्रिकॉशंस होना सबसे बड़ी बात है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इसके सिम्टम्स मेनली अगर आप देखें तो पेशाब का बहुत ज़्यादा आना, भूख ज़्यादा लगना, प्यास ज़्यादा लगना, और उसके बावजूद खाना खाने के बावजूद वेट लॉस होना, ये बहुत बड़ी बात है। इसके अंदर टायर्डनेस होना, कई लोग बहुत टायर्ड से महसूस करते हैं, थोड़ा सा काम किया थकावट होगी बैठ के, और इरिटेबल हो जाते हैं, कई लोगों का दिमाग के अंदर इरिटेबिलिटी हो जाती है, ब्लरिंग विजन, आँखों की रोशनी कम हो जाना, ये बहुत बड़ा सिम्टम्स हैं, और कई लोगों को छोटा मोटा जख्म भी होता है वो हील नहीं होता और उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं इनकी वजह से आपकी अगर आप देखें तो डायबिटीज़ का असर आपके पूरे के पूरे शरीर पे हर अंग पे पड़ता है, आपके दिमाग के सेल से लेकर आपकी आँखें जहाँ पर आपको अंधापन हो सकता है, ब्लाइंडनेस हो सकती है, किडनी फेलियर, जितनी किडनीज आप फेल देखते हैं उसमें से 70-75% केवल शुगर की वजह से होती है, हार्ट अटैक के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्ट्रोक के चांसेस हो जाते हैं, और यहाँ तक कि कई बार छोटी से छोटी चोट भी आपके पैर के अंदर लगी तो इतना विकराल रूप रख देती है जो हीलिंग नहीं होती, और जिसकी वजह से उंगली या पैर को या टांग को काटना पड़ सकता है, ये सारे कॉम्प्लिकेशन हैं इसके। तो आइए हम इसके बारे में आज लोगों को अवेयर करें, लोगों को बताएं कि ये जो बीमारी है बढ़ क्यों रही है, बढ़ रही है इसलिए हमारा लाइफस्टाइल जो है हम नेचर से दूर होते चले जा रहे हैं, नंबर एक हमारा खानपान जो है वो बहुत कृत्रिम हो गया है, नकली खानदान है, फास्ट फूड वाला खानदान है, और स्ट्रेस हम इतना ज़्यादा रखते हैं जिसकी वजह से आज की तारीख में पूरे विश्व की सबसे ज़्यादा शुगर भारतवर्ष के अंदर पाई जाती है। तो हम सबको इसके बारे में सोचना पड़ेगा और लोगों को अवेयर करना पड़ेगा कि इसका इलाज भी, सबसे पहले जब हम बात करें तो सबसे पहले लाइफस्टाइल की बात करनी है, हमें अच्छी मॉर्निंग वॉक करनी है, अपने स्ट्रेस रिलीफ रखना है, योगा करें, उसके बाद सोने का समय रखें, फिक्स टाइम रखें कि अच्छी मात्रा में आपको नींद आनी चाहिए, और वो नींद भी तभी आएगी जब आप पूरा का पूरा फिजिकल एक्टिविटी पूरा दिन रखेंगे,
उसके बाद डाइट की बात करें, डाइट के अंदर घी, तेल, चिकनाई और मिठाई, मीठा बिल्कुल आपके लिए परहेज है उसका। आप फल ले सकते हैं, आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं, लेकिन आपकी जितनी ये मैदे वाली चीज़ें या मिठाई प्रोडक्ट्स हैं, इन सबको आपको परहेज करना पड़ेगा। और डाइट के बाद मेडिसिंस, सबसे पहले कोई भी व्यक्ति आए, आपको एक नॉर्मल से ज़्यादा शुगर मिलती है तो लाइफस्टाइल पे डिपेंड करना चाहिए, फिर उसके ऊपर डाइट का उसके ऊपर वो प्रभाव आता है, और फिर जो है मेडिसिन जो हैं कई प्रकार की आज के तारीख में अवेलेबल हैं, खाने की भी हैं, और इंसुलिन से बढ़िया तो मैं मानता हूँ कि कोई दवाई शुगर के लिए आज तक बनी नहीं, क्योंकि इंसुलिन जो है आपको नेचुरल तरीके से, आपको बेस्ट तरीके से बिना अधिक साइड इफेक्ट्स के आपकी शुगर को कंट्रोल करती है। तो साथियों आओ आज हम प्रण लें कि अपने क्षेत्र से, अपने परिवारों से हम डायबिटीज़ को मिनिमाइज करेंगे, जो कि WHO का थीम इस साल का है, वर्ल्ड डायबिटीज डे का, ब्रेकिंग बैरियर्स। बैरियर्स का मतलब हम एक इंडिविजुअल की बात करें, हम कम्युनिटी की बात करें, हेल्थ सिस्टम्स की बात करें, सरकारों की बात करें, इन सबको मिलकर ब्रिजिंग गैप्स, इन सबको मिलकर एक मानवता को शुगर जैसी एक बड़ी घातक बीमारी से छुटकारा कैसे दिला सकते हैं, इन सबके ऊपर सोचना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।